ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? एकदम ठीक हैं, फिट हैं, फाइन हैं। एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नई पॉसिबिलिटीज के साथ में। चैप्टर बहुत आसान है, क्वेश्चंस कम आते हैं बट इम्पॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन किसी चैप्टर से आता है तो वो चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और सारे ही चैप्टर करने किसी को छोड़ना है भी नहीं, ठीक है? और तैयारी भाई शुरू कर दो, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत सी चीज़ें सिस्टमेटिक गई इस बार। चाहते हैं कि इस बार जो नेक्स्ट बैच हमारा चल रहा है, जो कि तुम हो, कुछ बेहतरीन पॉसिबिलिटीज करता है ना, कुछ बेहतरीन चीजें करता हूँ, तभी असली मजा आएगा, राइट? मुझे ऑलरेडी जान रहे हो, मेरा नाम अनुराग तिवारी है, आपको बच्चों बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो सारे के सारे बच्चे, और मेरे साथ स्पेशल क्लासेस कल से सुबह 10 बजे। जो भी हमने 12th में पढ़ा है अभी तक, उन सबके MCQs की प्रैक्टिस डेली बेसिस पर होने वाली है, बेहतरीन बड़े बड़े मैराथन होने वाले हैं, ठीक है? तो कल से प्रिपेयर हो जाओ, एक बार फिर से पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे और अच्छा लगेगा, ठीक है? तुम्हें भी तो अनअकैडमी का लर्नर से आप डाउनलोड कर लो, डेली फ्री क्लासेस होती हैं सुबह 10 बजे, ठीक है? तो आना है जरूर। साथ में आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, हमारा पेड सब्सक्रिप्शन है। इसमें पूरा सिलेबस आपको करा दिया जाता है, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट के थ्रू अनलिमिटेड एक्सेस है, और आप किसी भी टीचर को एक्सेस कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं। पर्सनल मेंटोरशिप, स्टडी प्लानर, ये सारी चीज़ें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलती हैं, इंक्लूडिंग प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। तो सारा सेटअप आपको अच्छे से मिल जाता है जब आप आइकॉनिक में जाते हैं। आपको अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट देना है ज़रूर से ज़रूर, 100% स्कॉलरशिप है। 8 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है, सबसे अच्छी बात ये है, और यूरोस्पेस सेंटर जाने का मौका मिलता है, 100% फ्री में पढ़ने का, ठीक है, अनअकैडमी के साथ में। तो इस टेस्ट को जरूर दे, काफी अच्छा टाइम है रिवीजन करने का। अभी अनअकैडमी पर काफी बेहतरीन ऑफ चल रहा है बच्चों, तो मैं चाहता हूँ हर वो बच्चा जो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेता है या लेना चाहता है, 16 सितंबर से पहले सब्सक्रिप्शन ले ले, है ना? आज की डेट अगर हो गई है 12, तो 12, 13, 14, 15, 16, तो ये 4-5 दिन जो हमारे पास हैं, इसमें आप सब्सक्रिप्शन लें। अगर मैं बात करूं कि प्लस का सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का है, तो बच्चों यहाँ पर 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी आपको सिर्फ 30,000 रुपये में पड़ रहा है, कोड 80 सर यूज़ करना है, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 50,000 का सिर्फ पड़ रहा है। तो दोनों ही सब्सक्रिप्शन की पॉसिबिलिटीज आपके पास में हैं। कुछ नए बैचेस भी शुरू हुए हैं, इन बैचेस के थ्रू आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो दोनों ही बैचेस हैं, एक 16 को है, एक 15 को है ना, 23 के लिए दोनों ही बैच है। तो आप दोनों में से कोई भी एक ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को सिस्टमेटिक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, पढ़ाई शुरू। देखो चैप्टर का नाम क्या है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ऐसे कौन कौन से हम स्ट्रेटजीज लगाएं जिसके थ्रू हम फूड रिसोर्सेज में किसी भी तरह का इन्हांसमेंट कर सकें। अब दो तरह के फूड रिसोर्सेज होते हैं बच्चों, एक तो एनिमल वाला फूड रिसोर्स होता है ना, कुछ लोग एनिमल के प्रोडक्ट खाते हैं, या फिर प्लांट, है ना? अब देखो प्लांट का तो सबको पता है भाई, प्लांट से हम अनाज, है ना, ग्रेन्स, सीरियल्स, ऑयल, फ्रूट्स, बहुत सी चीजें ले सकते हैं, वो हमको सबको पता है। बट असली चीज जो है वो है एनिमल की, है ना, असली चीज जो है वो है एनिमल की, राइट? अच्छा मुझे बता देना वॉइस वगैरह ठीक आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे पता है ना वॉइस वगैरह सब ठीक है या नहीं। एनिमल से हम क्या ले सकते हैं ये बताओ। तो एनिमल से बच्चों हम लोग मीट ले सकते हैं, कुछ एनिमल्स स्पेशली इसीलिए हैं, जैसे पिग वगैरह की बात कर रहे हैं, है ना? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। एनिमल से हम एग ले सकते हैं कुछ कुछ से, यस राइट। एनिमल से हम और क्या ले सकते हैं, फिश वगैरह से ऑयल ले सकते हैं, है ना? हनी भी वगैरह है, हनी और वैक्स और ऐसी चीजें ले सकते हैं, वेनम ले सकते हैं। हाँ जी, बताया नहीं तुम लोगों ने, वॉइस ठीक है, यस और नो, ऑल ओके बोलो। तो एनिमल से हम बहुत कुछ ले पा रहे हैं, एंड द बेस्ट थिंग इज जो भी कैटल्स वगैरह हैं वहां से हम मिल्क ले रहे हैं, मिल्क के बहुत से प्रोडक्ट हैं, मिल्क के बहुत से प्रोडक्ट हैं, बात समझ पा? इतनी ज्यादा चीजें हमारी तो एनिमल से ही आ रही है हमेशा, ये थोड़ो कि हम सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं, यस और नो। तो इसका मतलब हमें अगर इसकी ब्रीड इंप्रूव कर दी जाए, मैं तुमको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ, एक छोटा सा कैलकुलेशन। मेरे पास मान लो 5 गायें हैं,
ठीक है, पांच गाय, हर गाय मुझे 15 लीटर दूध देती है, जो कि काफी अच्छा अमाउंट है। तो इसका मतलब लगभग 75 लीटर दूध डेली का हो रहा है, और क्योंकि गाय का दूध है तो मैं इसको एटलीस्ट एवरेज लगा लूँ, ऐसे तो 40 में भी मिलता है बहुत जगहों पर, फिर भी 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, और इसको 70 लीटर ही कर देता हूँ एक बार, कैलकुलेशन इजी के लिए। तो डेली बेसिस पर मुझे मेरी इनकम कितनी हो रही है, बातें समझ पा रही? 3,500 रुपये डेली, महीने में ये चीज़ मुझे कितनी पड़ जाएगी, है ना। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर बड़ी क्लियर फॉर्म में समझ में आती है कि जब भी हमारे पास, है ना, 3,500 रुपये अगर डेली भी मुझे मिल रहा है 300 दिन, तो मेरी 1 लाख प्लस इनकम है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर यही पांच गाय हाई वैरायटी की होती, कैन यू इमेजिन, और ये मान लो 45 लीटर मिल्क देती, गाय वही है, थोड़ा बहुत इनका खाना पीना और अच्छा हमें करना होता, बट पानी तो पानी होता है, उसमें तो कुछ है नहीं ऐसा, राइट? तो फिर अमाउंट कितना होता? यही पांच गाय से हम 3 लाख रुपए महीने कमा सकते थे। मेरी बातें समझ पा रहे हो? लॉजिकल चीजें हैं, हालांकि इसमें बहुत से प्रैक्टिकलिटी भी होती हैं, बट एक नॉर्मल कैलकुलेशन की बातें कर रहा हूँ, है ना, एक नॉर्मल कैलकुलेशन की बातें कर रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? जो बच्चे वेटनरी फील्ड को बहुत हल्के में लेते हैं, उनके लिए मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। एमबीबीएस हमेशा प्रायोरिटी होती है हर बच्चे की, हर एस्पायरेंट की। फिर लोग बीडीएस को चूज करते हैं, है ना, फिर लोग आयुर्वेदा को चूज करते हैं, फिर वो होम्योपैथी को चूज करते हैं, बीएचएमएस, और उसके बाद वो फार्मा में चले जाते हैं। नहीं, बीवीएससी, गो फॉर बीवीएससी, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेस। अब वेटनरी साइंसेस की खास बात क्या है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब में होते हो अगर, तो पैसे आ ही रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में भी होते हो तो आप अपना डेयरी स्टार्ट कर सकते हो, किसी डेयरी के यहाँ डॉक्टर लग सकते हो, बहुत से ऑप्शंस है ना। और आप देख रहे हो कि आपके पास अगर अच्छी नस्ल की गायें हैं, और इस तरह से इमेजिन कर लो भाई, हम लोग एनडीआरआई में काम करते थे, वहाँ 20,000 गायें थी, 20,000 प्लस कैटल्स थे। आप 100 गायें भी पाल लेते हो तो आप करोड़पति हो रहे हो, अच्छे वाले, उनके गोबर से कुछ बना रहे हो, बहुत सी चीजें कर रहे हो। इट डिपेंड्स कि हाँ आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो, प्लस ब्रीड कौन सी है आपके पास, है ना। तो हमें सारा फोकस किस पर करना है, हमें स्पेशली सारा फोकस किस पे करना है भाई? सीधी सी कहानी क्या हो गई कि हमें इनकी ब्रीड को इम्प्रूव करना है। मेरे लॉजिक को समझ पा, चाहे वो बफेलो हो, काउ हो, पिग हो, हॉर्स हो, कैटल हो, शीप हो, कैमल हो, हर एक हमारे लिए इस्तेमाल हो रहा है। लॉजिक समझ पा रहे हो? साथ साथ में पोल्ट्री फॉर्म फिशरीज की अगर मैं बात करूं, ये भी हमारे लिए, तो ये एनिमल हस्बेंड्री में आ रहे हैं सारी। हस्बेंड्री का मतलब पालना, ब्रीडिंग, है ना, करवाना, फिर उनके लिए फिर साइंटिफिक मेथड यूज करके उनसे आउटपुट निकाल। एंड इनफैक्ट ये नीट का क्वेश्चन भी है, डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन है। पूरी दुनिया में 70% से ज्यादा, है ना, मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में ही है। ये क्या बात अच्छी है बुरी है? अब ध्यान से सुनो, बात तो बहुत अच्छी है, बट प्रॉब्लम क्या है? पूरी दुनिया के हिसाब से हमारी प्रोडक्टिविटी सिर्फ 25% है, पॉपुलेशन 70%, बट प्रोडक्टिविटी 25%। हमसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी करने वाले, कम गाय से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकालने वाले लोग और भी बढ़े। इसका मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है। मेरी बात समझ पा रहे? छोटी सी बात है जो आपको समझ। तो हमें इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा, साइंटिफिक होना पड़ेगा। छोटी सी और चीज बताता हूँ, मैं एनडीआरआई में था, एनडीआरआई का मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही हरियाणा करनाल में है, और वहां पर गायों के लिए कैटल यार्ड होते थे, मतलब एक ऐसा सा बाड़ा, उसमें गेट होता था, ठीक है, गेट तो होता था आने के लिए,
और उसमें किनारे किनारे ऐसा था जैसे गाय चारा खा रही ना, ऐसे ऐसे खाली जगह होती थी उसमें चारा भर दिया जाता था ऐसे ऐसे, तो गाय इस तरह खाना खाती थी। तो ट्रैक्टर आता था उसमें चारा डाल के चला जाता था, वैसे उसमें बैठे होते थे लोग और चारा चारों तरफ डाल के चले जाते थे। और उसमें 50 से 100 गाय एक कैटल यार्ड में होती थी, 50 गाय लगा लो 50 काउस। बट इंटरेस्टिंग चीज ये कि वो डालता था चारा और उसके आधे घंटे बाद वो फिर से डालने आता था चारा उसमें। तो मैंने उससे पूछा, मैं नया नया गया था, मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो, 2 बार क्यों डालते हो? तो कहता सर आप वेटनरी फील्ड के पूरे नहीं हो क्या, आप सिंपल रिसर्च फील्ड के हो, जो वेटनेरियन होते हैं उनको ये चीज पता है, गाय भैंस ये जितने भी जानवर हैं इनमें भी 2 कैटेगरी होती है, एक एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट। ऐसी गायें जो थोड़ा सा शाई नेचर की है ना, वो भीड़ में खाना नहीं खा पाती या इनफैक्ट उठ के नहीं जाती, शर्माती हैं या जो भी कह, जब सब खा लेते हैं और वो खाली होता है, उनको भूख लगती है, तब वो जाती हैं उनके पास और फिर वो खाना खाते हैं। तो हम जब दोबारा खाना देने जाते हैं तो उसके बीच में गैप होता है लगभग आधे घंटे का, तो वो जो एक्सट्रोवर्ट गायें हैं भैंसे हैं उन्होंने खाना खा लिया होता है और चुपचाप जाके बैठ के जुगाली करके। मुझे बड़ी पसंद आई, मैंने कहा बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं साइंटिफिक फीडिंग है ना, इसको क्या बोलते हैं साइंटिफिक फीडर, ये छोटी सी बात आपको समझ। तो ऐसी चीजों पर हम जब फोकस करते हैं, पता चले हम तो नहीं बता सकते ना किस गाय ने खाना खाया, जिसने जिसने खाना खाया वो जल्दी से बोले चिल्लाए जैसे गाय बोलती, या एटलीस्ट गोबर ही कर दे पता तो चले, ये हमें नहीं पता चलेगा ना, हम काउंट कर सकते हैं इतने ज्यादा कैटल्स में। तो हम एक साइंटिफिक मेथड से हर एक को कैटर कर रहे होते हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बातें समझ पा। और यहां पर ये चैप्टर आता है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, मिल्क का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन क्योंकि मिल्क एक कंप्लीट फूड है, उसमें सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं ना, उसकी यील्ड वगैरह बढ़ती है, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें अगर डेयरी फार्म खोलना है तो हमें उसमें क्या करना, सबसे जरूरी चीज एक गुड ब्रीड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब तुम्हारे नीट में तुम्हारे क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो तुमको एक छोटी सी लाइन दिख रही है यहाँ पर, तुमने पढ़ लिया तुम भूल गए, लेकिन नीट में बच्चों यहां से क्वेश्चन कहाँ पे है ना, बात को समझना, नीट में यहां पर से क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट। तो ध्यान से सुनो, पहला गुड ब्रीड जो है ना, ये जो गुड ब्रीड है इसकी डेफिनेशन बताओ, इसकी डेफिनेशन बताओ। तो गुड ब्रीड की डेफिनेशन क्या होगी, हाई यील्डिंग पोटेंशियल, जिसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, भाई दूध दे रही है तो नॉर्मली अगर 15 को देता है तो 20 दे रही है, 40 दे रही है, 50 दे रही है, अलग ही मजा आ जाएगा। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा क्या, रेजिस्टेंट टू डिजीज, क्या रेजिस्टेंट टू डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज आपको समझनी होगी। तो उनको डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, तो 2 क्वालिटी हैं तब वो हाई वैरायटी मानी जाती है। तो ये छोटी सी बात है और आपको नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए आपको, बातें क्लियर हैं, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे। हम और क्या कर सकते हैं, पहले तो हमें अगर डेयरी फार्म मैनेजमेंट करना ही है, हमें अच्छे से डेयरी बनानी है एक मान, क्या करेंगे पहले तो हाई वैरायटी लेकर आए। दूसरा काम हम क्या करेंगे बच्चों, हम दूसरा काम करेंगे कि उनके लिए जो बाड़ा बनाएंगे उनको काफी अच्छे से सिस्टमेटिक करेंगे ताकि उनको पानी की सप्लाई मिल सके। अब पानी की जरूरत लगती है इनको, इनको मतलब प्यास भी लगती है, और थोड़े मोड़े नहीं कि एक बॉटल पानी पी लो हो जाएगा, बहुत ढेर सारा लीटर्स में पानी लगेगा। प्लस उसका जो एरिया है वो डिजीज फ्री होना चाहिए, जो एरिया है वो डिजीज फ्री होना चाहिए। साथ साथ में उनको साइंटिफिक मेथड, जैसे मैंने अभी बताया ना, साइंटिफिक मेथड से फीडिंग करानी होगी। सिर्फ क्वांटिटी पर काम नहीं करना होता, क्वालिटी ऑफ ऑर्डर, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन सा न्यूट्रिशन है, ये सब चीजों को हमको देखना होता है, उसमें मिलाकर फिर उनको खिलाना होता है ताकि न्यूट्रिशन वाइज उनको चीजें अच्छे से, बातें समझ में आ रही है। तो ये कुछ बेसिक मेथड हैं जो आपको यहाँ समझने होंगे। साथ में जरूरी नहीं कि सिर्फ उस एरिया को साफ किया, अब जो दूध निकालने जा रहा है जो हैंडलर है उसका भी हाथ गंदा है ना, पता चले मिल्क निकाल रहा है हाथ में गोबर लगा है, वो मिल्क में चला गया, खराब हो गया पूरा का कंटेनर का कंटेनर। स्टोरेज कैसे हो रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, इन सब की क्लीनिंग हाइजीन ये सब कुछ मेंटेन करेंगे तब जाकर काम चल रहा है। लॉजिक समझ पा रहे, बिल्कुल छोटी सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है।
अब इनकी हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे अगर कोई पूछे तो आपको रेगुलर वेटनेरियन डॉक्टर की विजिट जरूरी है ना, ताकि वो आए, हर एक की हेल्थ चेक करे, हर एक का रिकॉर्ड मेंटेन करे, क्योंकि हर कैटल आपके लिए एक मनी सोर्स है ना, एक मनी अमाउंट सोर्स है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये छोटी सी चीज है जो आपको यहाँ पर क्लियर फॉर्म में समझ में आ जानी चाहिए। आई होप इतनी कहानियां क्लियर है। हाँ जी, इतनी कहानियां क्लियर हैं सारे बच्चों को, आगे बढ़ो। तो जब ये चीजें समझ पा रहे हो कैटल्स में, तो अब सुनो पॉल्ट्री की बातें। पॉल्ट्री का मतलब कोई भी ऐसी डोमेस्टिकेटेड बर्ड जिनको हम एज ए फूड खा सकते हैं। अब कौआ तो नहीं खा सकते ना, वो तो मूवी में कौआ बिरयानी होता है, तो कौआ को हम जो क्रो है पॉल्ट्री में डालेंगे गलत नहीं डालेंगे, और या फिर हम उसका एग खा सकते। उनको हम हमेशा उन डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स को क्या बोलेंगे बच्चों? पॉल्ट्री। पहली बात तो पॉल्ट्री बर्ड्स में एनसीईआरटी किसको किसको कहती है, और भी होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फॉलो किसको करना है? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। चिकन, डक, टर्की और गीज, वेरी इंपॉर्टेंट। बातें समझ पा रहे हैं? चिकन, डक, टर्की और व्हाट? गीज। बहुत ही छोटी सी बात, सिंपल सा फंडा, याद रखिए। डन है, लॉजिकली समझ में आ रही है चीज। तो जब ये चीजें आप समझ रहे हो, ढंग से समझ रहे हो, तो फिर पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए हमें क्या क्या करना है? पहला, हमें तो देखो बर्ड हैं, चिड़िया हैं, उनको बहुत ही वॉमिट नहीं चाहिए, मर जाएंगे, सफोकेशन से मर जाएंगे। पहली चीज तो हमें भाई हाई वैरायटी तो लेनी लेनी, डिजीज फ्री एरिया होना चाहिए, सुटेबल ब्रीड होनी चाहिए, सेफ कंडीशन होनी चाहिए। पता चले आसपास में डॉग घूम रहे हैं, कुत्ते, बिल्लियां घूम रही हैं, तो वो डर के मारे अंडे नहीं देंगे, ऐसा भी होता है। यस, ठीक है ना। प्रॉपर फीड एंड वाटर होना चाहिए उनके लिए, और हाइजीन वगैरह तो मेंटेन करना ही होगा। एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, अगर कभी भी किसी पोल्ट्री फार्म में, कभी भी किसी भी पोल्ट्री फार्म में किसी वजह से है ना, अगर ये बर्ड्स एक भी मर जाती या डिजीज्ड होती हैं, तुरंत उनको उनके ग्रुप से हटा देना होता है, तुरंत उनको उस ग्रुप से हटा देना होता है। क्यों ऐसा है? रीजन क्या है कि अगर आप उनको हटा दोगे तो बाकी को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, और इसमें एक मास इन्फेक्शन होता है एक साथ, जैसे नहीं वो बर्ड फ्लू फैला था, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोन टू डिजीज होती हैं, और एक को इन्फेक्शन हुआ तो बहुत जल्दी जल्दी भर जाते हैं। बातें समझ में आ रही है ना, बातें समझ में आ रही। तो ये छोटी सी चीज आपको यहां समझ में आ जानी चाहिए, लॉजिक क्लियर है। अब दो चीजें सुनो, इन दोनों के मिक्सचर से लेग हॉर्न बना है, तो इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ, कल कोई पूछे चिकन का तो आप क्या बोलोगे? हाँ जी, इम्प्रूव्ड वेराइटी की बात करेंगे, राइट? तो आपको लेग हॉर्न समझना है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुम सारे बच्चे यहां पर, इतनी भी पूछ रही है, एक दो बच्चे भी पूछ रहे हैं, 12th के चैप्टर की प्रैक्टिस करना चाहते हो स्पेशल क्लास में, या पहले 11th के चैप्टर की प्रैक्टिस करना चाहते हो? हमारे पास दो दो ऑप्शंस, देयर आर टू ऑप्शंस। तो अगर 11th की बात करेंगे तो हम लिविंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे कल से, और सीक्वेंस में चलते चले जाएंगे, और अगर 12th की बात करोगे है ना, तो वो जो रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट है, जल्दी से बोल। प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, बोलो। 12th, 12th, एक बच्चे का 11th है, बाकी बच्चों का 12th है, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चों का 12th आ रहा है, ओके ठीक है। तो कल 12th से स्टार्ट कर लेते हैं, है? 12th से स्टार्ट कर लेते हैं, और एक रिवीजन भी हो जाएगा, अच्छा बात है। चलो ना, अब इस चीज को समझो, लेग हॉर्न एक चिकन की हाई वैरायटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जर्सी तो सुबह 10 बजे से स्टार्ट करूंगा है ना, और मैराथन एमसीक्यूज चलेंगे, मतलब एटलीस्ट 400 क्वेश्चन हम लोग एक साथ कर रहे होंगे उस चैप्टर के। तीन चीजें इंक्लूडेड होंगी, पहला दैट इंक्लूड प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, दैट विल इंक्लूड जो आपके एग्जाम्पलर्स हैं वो,
है ना? दैट विल इंक्लूड एसर्शन एंड रीजन, और एक और चीज इंक्लूड करूंगा पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये चारों मिलाकर मिनिमम 300 से 400 क्वेश्चंस होंगे। सुबह 10 बजे से स्टार्ट करेंगे, है ना, 10 AM सुबह 10 बजे से स्टार्ट करेंगे, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि 2-3 घंटे 4 घंटे में हो जाए, इससे ज़्यादा लगेगा तब भी कर लेंगे, ठीक है ना? तो 10 बजे से एटलीस्ट 3 घंटे 4 घंटे तो आप लगा ही लो, तो 10 से 2, 10 PM चलेगा सारी प्रैक्टिस। तो कल लिविंग वर्ड स्टार्ट करेंगे, राइट? कल लिविंग वर्ड स्टार्ट करेंगे, सारे बच्चे आ जाए। ओ सॉरी, लिविंग वर्ड कर रहा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12th का फर्स्ट चैप्टर, ठीक नाउ ब्रीड एमसीक्यूज है ना, प्योर एमसीक्यूज, और इसमें ये चार चीजें होंगी ही। नाउ अब ब्रीड एग्जैक्टली होता क्या है, रिलेटेड ग्रुप्स की बात करते हैं। ब्रीड रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ एनिमल रिलेटेड बाई डिसेंट एंड सिमिलर जनरल अपियरेंस फीचर एंड साइज, क्लियर है? अब ये चीजें आपको जरूर याद रखनी, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, जरूर से जरूर इसको याद रखें। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप सारे बच्चों के लिए। क्या जर्सी गाय की हाई वैरायटी है? पूछ लेंगे। हाई वैरायटी ऑफ कैटल, लेग हॉर्न चिकन की हाई वैरायटी है, यहाँ पर आपको दोनों ही चीजें दिख रही हैं। गाय ने तो पोज देने के लिए इधर के सत्ता है ना, इधर के साइड में क्या कर रखा है, चेहरा भी कर रखा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं, और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, आपके लिए सारे बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक कहानियां क्लियर है ना, यहाँ तक कहानियां क्लियर है, मान लो सब चीजें डन है, आसान है अभी तक, परफेक्ट। ओके, एनिमल ब्रीडिंग की कहानियां समझ गए। एनिमल ब्रीडिंग में हमें क्या चाहिए, डिजायरेबल क्वालिटीज हों उसके अंदर, डिजीज फ्री। अच्छा, डिजीज फ्री जरूर से जरूर याद रखें। अब दो चीजें समझो, हाउ टू गेट हाई वैरायटी ब्रीड, मुझे बहुत अच्छी वैरायटी की ब्रीड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी गाय जो भाई साहब 45 लीटर दूध देती हो एक दिन में, कितना बढ़िया, हमारे पास पैसा ही पैसा, कितना मजा आ जाए। 45 लीटर्स का मतलब समझ लो एक दिन में। अब इसके दो मेथड है, पहला मेथड जो है उससे हाई वैरायटी बनती नहीं, लेकिन बनने के लिए तैयारी शुरू हो जाती है, क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग। मेरी बात को सुनो, एक गाय है मेल और एक फीमेल, क्लियर, दोनों में मेटिंग हो गई, उनके बच्चे हुए एक मेल और एक फीमेल, उनको फिर से रिप्रोड्यूस करा, दिस इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग। पेरेंट्स सेम है, जनरेशन सेम है, सेम ब्रीड है, मेटिंग कराती। अब इसे एक फायदा होता है, वी विल गेट हाई वैरायटी। मान लो इसमें से, मान लो इसके चार या तीन फीमेल कैटल हुई, लेकिन ये 45 लीटर दूध देती थी, ये सिर्फ 30 लीटर और ये 15 लीटर। तो व्हाट वी विल डू, हम हाई वैरायटी के साथ में क्रॉस कराएंगे मेल, सेम ब्रीड, इनब्रीडिंग। तब इससे क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन, और बार 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 कराएंगे तो हाई वैरायटी निखर कर बाहर आएगी, है ना, हाई वैरायटी निखर कर आएगी, बातें समझ पा रहे? तो हाई वैरायटी बार बार करवाने पर, अब इसमें से भी जो हाई वैरायटी बनी उसको फिर से सेल्फिंग करा दो, तो यू विल गेट प्योर लाइन, है ना, वी विल गेट प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब समझ गए ना, उसमें सिर्फ हाई वैरायटी, उसमें कोई मिक्सचर नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर लाइन मिलती है, कहानी समझ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज क्या, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। प्रॉब्लम क्या है यहां पर, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन है ना, है ना, बातें समझ में आ रही हैं? तो वो अभी समझाऊंगा एग्जैक्टली होता क्या है। आउटब्रीडिंग में क्या है, इसका तीन पार्ट है, आगे समझाता हूँ। इनब्रीडिंग पहले समझ लो, मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन सेम ब्रीड ऑफ 4 to 6 जनरेशन एट
एटलीस्ट 4 to 6 generation सेम ब्रीड है। क्या? एटलीस्ट 4 to 6 generation सेम ब्रीड है। लॉजिक समझ गए? कोई डाउट नहीं? अभी भी बता दिया तो, है ना? तो यहां पर हमेशा हम सुपीरियर मेल को, है ना, सुपीरियर फीमेल से जो कि सेम ब्रीड के हों उनको आपस में क्रॉस करते हैं, है ना? बातें समझ में आ रही? सुपीरियर मेल को सुपीरियर फीमेल से क्रॉस करते हैं और फिर इवेल्युएट करते हैं कि उसमें फर्दर मीटिंग के लिए किसको हम आपस में चुने जो हाई वैरायटी है ना। सुपीरियर फीमेल उसको बोलेंगे जो ज्यादा दूध देती है। बट क्वेश्चन ये आया एग्जाम में कि सुपीरियर मेल किसको बोलेंगे? उसको जो सुपीरियर प्रोजेनी प्रोड्यूस करे। सुपीरियर मेल मतलब बुल, है ना, जिसके बच्चे सुपीरियर हो। तो उसके बच्चों से पता लगाया जाता है कि वो कितना सुपीरियर है। गाय तो दूध देकर सुपीरियरिटी शो कर देती है, बट बुल्स में क्या होते हैं, उनके बच्चों से, कई बार देखने में वो नहीं होते लेकिन उनके जो बच्चे फीमेल होते हैं वो बहुत मिल्क देते हैं, या फिर उसकी माँ बहुत अच्छी सुपीरियर रही हो, मिल्क अच्छी देता हो, देती हो, उनको उठाते हैं, उन बुल्स को उठाते हैं एज ए सुपीरियर मेल। तो आई होप कहानियां समझ गए, आई होप कहानियां तक समझ गए। छोटी सी बात, फायदा क्या है? वी विल गेट प्योर लाइन, दैट इज होमोजाइगस, प्योर लाइन एनिमल्स। होमोजाइगस मतलब अगर टॉल है तो वो होमोजाइगस टॉल, अगर टॉल है तो वो होमोजाइगस टॉल होंगे, राइट? और हार्मफुल जीन को एक्सपोज करने में भी मदद मिलती है, बार 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 सर्जरी कराने से ऐसे हार्मफुल जीन निकल कर आते हैं, बट, है ना, इस बात को समझेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, लेस डिजायरेबल जो जीन है उसको निकालते जाए और बाकी जीन को एक्यूमुलेट करते जाए। कहानी समझ गए? बट इसका लॉस क्या है, इसका नुकसान क्या है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इसका मतलब क्या है, बार बार अगर आप सेम ब्रीड को क्रॉस कराओगे एक ही फैमिली के तो दे बिकम इनफर्टाइल। ठीक है, इनफर्टाइल की बात, बहुत छोटी सी चीज। तो इनकी फर्टिलिटी, बातें समझ पा रहे, इनकी जो फर्टिलिटी है बच्चों वो अफेक्टेड हो जाती है, दे बिकम इनफर्टाइल, साथ में प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है ड्रास्टिकली, मे बी दूध देना ही बंद करते, ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, है ना, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पर समझ में आ जाती है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम, हाउ टू सॉल्व इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। हम किसी सुपीरियर एनिमल से उसी ब्रीड के अनरिलेटेड जो की हो, है ना, अनरिलेटेड सुपीरियर मेल्स के साथ में उनकी क्रॉस करवाते हैं ऑफ सेम ब्रीड। बातें समझ गए? तो बस ये छोटी सी चीज है। नेक्स्ट वन इज आउट ब्रीड। आउट ब्रीड का मतलब क्या है, यहां पर रिलेटेड था वहां पर, यहां अनरिलेटेड एनिमल, हाँ स्पीसीज सेम होंगे, ये नहीं कि गाय को घोड़े के साथ क्रॉस करा रहा, ऐसा नहीं, यहां पर गाय गाय ही रहेगी लेकिन उसकी किसी दूसरी स्पीसीज के साथ। भाई करण स्विस एक ब्रीड है गाय की, उसको साहिवाल से क्रॉस करवा दिया या साहिवाल को जर्सी से क्रॉस करवा दिया, ऐसे क्रॉस को डिफरेंट अनरिलेटेड ब्रीड के साथ में क्रॉस करवा रहा है। ठीक है, चलो अब सुनो कहानी सुनवा दी। यहां पर तीन मेथड होते हैं, देयर आर थ्री मेथड, 1, 2 एंड व्हाट एंड 3, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, बहुत छोटी सी बात है, कंसेप्चुअली समझ, बहुत ही छोटी सी बात है बट कंसेप्चुअली सुनना, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। पहला आउट क्रॉसिंग क्या होता है, ब्रीड सेम है बच्चों, क्या ब्रीड क्या है, सेम है, राइट, बट नो कॉमन एंसेस्टर, नो कॉमन एंसेस्टर, बातें समझ पा रहे हैं, बट व्हाट, नो कॉमन एंसेस्टर, हमेशा क्या नहीं, एटलीस्ट 4 to 6 generation तक कोई कॉमन एंसेस्टर ना हो, उसके पहले हो ना हो हमसे मतलब, लेकिन 4 to 6 generation तक ना हो, और इस तरह के जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको बोलते हैं आउट क्रॉस।
इस तरह के जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, आउट क्रॉस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, डन। अगली काम की बात यह है कि आउट क्रॉस एक ऐसा मेथड है जिससे हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं। वी कैन एलिमिनेट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये एक मेथड है। छोटी सी बात है जो आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं, आसान है, सिंपल है, इजी है, डन। इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द एनिमल हैविंग द लो प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल, ये सब चीजों को के लिए सबसे बेहतर मेथड है कि आपको अनरिलेटेड के साथ में क्रॉस करना। इट हेल्प्स टू ओवरकम द ब्रीडिंग, मतलब वो जो इनफर्टिलिटी है उससे ओवरकम करने के लिए ये मेथड यूज होता है ना। बातें क्लियर हैं, बातें आसान हैं, इजी हैं, डन। नेक्स्ट क्रॉस ब्रीडिंग, ध्यान से सुनो, ये नेक्स्ट मेथड है क्या, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में है ना, क्रॉस ब्रीडिंग में ध्यान से सुनो, सुपीरियर मेल है ना ऑफ वन ब्रीड और सुपीरियर फीमेल ऑफ एनदर ब्रीड को क्रॉस करवाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल नीट में भी आ चुका है कई बार, हिसार डेल। एक बीकानेर की जो बकरी है, नाम क्या है, बीकानेरी ईव, भेड़ कह लो, बीकानेरी ईव, ये फीमेल की, और मेरिनो रैम्स, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये तो इंडिया की थी बीकानेरी ईव, मेरिनो रैम्स कहां का है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया, ये मेल। इनको जब क्रॉस किया तो एक नई वैरायटी बनकर आई जिसके अंदर इंडियन और ऑस्ट्रेलियन दोनों क्वालिटी थी। इसका नाम रखा क्या, हिसार डेल, हिसार डेल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिसार डेल एक एग्जाम्पल है क्रॉस ब्रीडिंग का, क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल, बातें समझ पा रहे, ये एक एग्जाम्पल है ना, क्लियर। तो बेसिक सा फंडा आपको यहां समझना होगा, क्लियर, कि आपको इन शीप के बारे में आपको प्रॉपर समझना, ठीक, कि बीकानेरी ईव और मेरिनो रैम्स जो ऑस्ट्रेलिया का था, ये दोनों ही शीप से एक नई शीप निकल कर आई है ना, क्या, हिसार डेल। अब उनके अंदर दोनों ही क्वालिटी, लॉजिक समझ में आ रही है बातें, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ ये कहानी क्लियर है, तो हमने हाई वैरायटी लिया और इस बार हमारे पास वी कैन डेवलप अ न्यू स्टेबल सुपीरियर ब्रीड, क्या, न्यू स्टेबल सुपीरियर ब्रीड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें आप बता दीजिए, डन है। बीकानेरी ये वो मेरिनो रैम्स, ये पंजाब से थी और ये ऑस्ट्रेलिया से, कोई पूछेगा नहीं ऑस्ट्रेलिया वाला, बस ऐसे ही बता, ठीक है। चलो अगली बार, थर्ड वन इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये अपने आप में नया है, इंटरेस्टिंग, मजेदार। हमें पहाड़ों पर जरूरत पड़ती थी घोड़े जैसी फुर्ती की, बट स्ट्रेंथ गधे में ज्यादा होती, ट्रस्ट में। आप सोचो कि गधा बोझ उठा ले ज्यादा अच्छा कर पाएगा कंपेयर टू घोड़ा, और इसकी स्ट्रेंथ और इसकी जो ताकत है दोनों ही मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो हमने दोनों को क्रॉस किया, लोग अजीब अजीब से काम करते रहते हैं, हॉर्स और डोंकी को क्रॉस किया। हमें म्यूल मिला, हमें म्यूल मिला, म्यूल खच्चर। खच्चर की खास बात क्या होती, दो तीन खास बात होती, ध्यान से सुनो। इसमें दोनों का मिक्सचर है, दोनों की स्ट्रेंथ का मिक्सचर है, पहली बात, एक तो अच्छी बात हो गई भाई, थोड़ा तो बहुत महंगे महंगे आते हैं। खच्चर की सबसे खास बात बताऊं क्या, ये इनफर्टाइल होता है, ये इनफर्टाइल होता है, बात समझ पा रहे। इनफर्टाइल का मतलब क्या, जो लोग खच्चर को बेचते हैं वो नीचे पहाड़ियों से ऊपर पहाड़ियों तक सामान ढोने के लिए उनको लेकर जाते हैं, उसके बदले में पैसा लेते हैं। आपने कई मूवीज में भी ऐसा देखा होगा, लोग तो उस पर बैठते भी हैं पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए। अब पूरे गधे भी नहीं होते हैं, दोनों का मिक्सचर, लेकिन ये नहीं कि उसी से काम चल रहा है। एक बार ये मर गया तो फिर जिससे खरीदा था उसके पास दोबारा जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो ब्रीडिंग का काम ही है, वो तो सिंपल ब्रीडिंग कर करके इनको बेच बेच के पैसे कमा रहा, तो उसका धंधा भी चलता रहता है
है ना, और स्ट्रेंथ वाइज बहुत अच्छे भी होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं जरूर याद रखना। एक और अच्छी चीज बताऊं, यहां जो म्यूल है इसमें मेल और फीमेल कौन है ये बताओ। तो मेल डोंकी है याद रखना, फीमेल हॉर्स, ठीक है, ये जरूर याद रखना, फीमेल हॉर्स है ना, बातें समझ पा रहे? ये म्यूल का मेल डोंकी एस बोल दो, फीमेल हॉर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसका रिवर्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज हिन्नी, सिलेबस में नहीं है, बस एडिशनल बता रहा हूं, सुन के भूल जाना। यहां पर मेल हॉर्स होता है ना, और फीमेल डोंकी एस जो भी आप स्पेलिंग देख देख क्लियर, तो दैट इज कॉल्ड एज हिन्नी है ना, वो भी एक होता है, बट म्यूल ज्यादा फेमस है, तो उस चीजों को आपको यहां पर समझ में आना चाहिए। आई होप यहाँ कहानियां समझ पा रहे, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, दिमाग में फिट कर ले। डन, हाँ जी डन डन, इसमें कोई कष्ट कोई परेशानी किसी बच्चे को। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको आखिरी के 10-15 मिनट में, स्पेशली 15 मिनट तो एटलीस्ट लगाऊंगा, ये लॉजिक समझ गए ना, डिफरेंट तरह से हम नई नई ब्रीड्स बना सकते, ठीक है, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया कि डिफरेंट मेथड से हम नई नई ब्रीड्स बना सकते हैं, ठीक। अब जो बताने जा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट क्या है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हम ये कैसे पता लगाएं कि हमें हाई वैरायटी चाहिए? एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो एक किसान है, फार्म जो भी कह लो, जिसके पास डेयरी चलाता है, वो किसान भी है, उसके पास एक हाई वैरायटी कैटल है, हाई वैरायटी कैटल, ठीक है, गाय काऊ, बट भाई साहब क्रॉस कराएगा तभी तो उसके बच्चे होंगे, तभी तो दूध देगी, तभी तो उसका घर चलेगा, ये लॉजिक सीधी सी बात है। तो अब क्या होगा है ना, क्या होगा ध्यान से सुनना, उसको एक मेल हाई वैरायटी चाहिए है? नीड मेल हाई वैरायटी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या उसको चाहिए, एक मेल हाई वैरायटी चाहिए, बहुत छोटी सी बात। अच्छा जब ये मेल हाई वैरायटी की बातें कर रहे हैं, कहां से लाए? अब वो मेल हाई वैरायटी मान लो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है या केरला में है, गुजरात में है, और आपको चाहिए दिल्ली में, आपको चाहिए पंजाब में, व्हाट टू डू? हमारे पास बड़ा अच्छा सिस्टम है, सीमेन कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग मेल पार्टनर से, कैसे, लिक्विड नाइट्रोजन है, लिक माइनस 196 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड नाइट्रोजन में उसको हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, उस सीमेन को ले जाकर मान लो वो गुजरात से लेकर आए, तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन में लेकर आए सीमेन को, जो हाई वैरायटी का मेल था, आपने पता ही हाई वैरायटी कौन सा है, और उसको इस काऊ के वेजाइना में, देखो इस तरह से, देखो ये हाथ पूरा उसके वेजाइना में डाल दिया है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, आई होप दिख रहा है राइट, तो ये पूरा उसका हाथ अंदर है, इतना एरिया, ठीक है, ये कितना दिस एरिया, ठीक है, तो ये पूरा अंदर है, तो उसके वेजाइना में डालकर, और ये आपका निडल सा है, निडल मतलब ऐसा नहीं उसमें सीमन भरा होता है, उसको इसके वेजाइना में डायरेक्टली डाल दिया, क्लियर है, उसकी वजाइना में हमने डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो हाई वैरायटी हमने यूज किया है ना, हाई वैरायटी हमने सीमेन यूज किया, और उससे क्या हुआ कि हम उसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन यूज इट लेटर, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, तो मल्टीपल काम हो सकते हैं इसके, ये एक फायदा है। एक प्रॉब्लम है यहां पर, एक बड़ी प्रॉब्लम है, सक्सेस रेट इसका बहुत ही कम है, बट है तो एटलीस्ट, ये तो नहीं है कि नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा, ऐसा नहीं भाई, 10% भी सक्सेस रेट हो तब भी काम राइट। तो ये बेसिक सी चीज है जो आपको यहां पर क्लियर समझ में आ जानी चाहिए, लॉजिकली समझ में आ जानी चाहिए। अब ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, मजा आएगा तुम्हें, है ना, तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है क्या, सुनना, हो क्या रहा है यहां पर, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज एमओईटी, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। एक कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन से काफी कुछ तुमको सीखने को समझने को मिलेगा,
मान लो एक कैटल है मेरे पास, मान लो मेरे पास एक कैटल है और इस कैटल की एबिलिटी है कि जब ये मिल्क देती थी तो 45 लीटर देती थी, मान लो 45 लीटर, 45 छोड़ दो, 50 लीटर कर देते हैं, 50 लीटर दूध देने वाली गाय। अगर इसके बच्चे होंगे, एक बच्चा दो बच्चा जो भी, और वो फीमेल निकली तो वो भी 50 देगी, लेकिन एक ही तो हुई। अब एक जो साइंटिफिक पर्सन है, साइंटिफिक डेयरी फार्मर है, वो क्या करेगा? मेरे पास 5 लाख है, 5 लाख मान, और ये जो 5 लाख हैं, बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो 5 लाख हैं, इस 5 लाख को क्या मैं डबल कर सकता हूं एक साल में? अभी दिखाता हूं कैसे। व्हाट वी विल डू इज कि हम 15-15 हजार में, 15K में 10 कैटल खरीद के लाए, या एटलीस्ट 8 कैटल खरीद के लाए, है ना, 15K, 15K, ऐसी कैटल जो हों अच्छी, लेकिन हाँ उनका मिल्क प्रोडक्शन वगैरह बहुत अच्छा ना हो, सिंपल वो बच्चे पैदा कर सके, सरोगेट मदर बोलते हैं, ऐसे हमने 15K करके 10 काउ खरीद लिए। कितना इन्वेस्टमेंट लगा बच्चों मेरा? 1.5 लाख का, येस और नो? मेरा इन्वेस्टमेंट कितना लगा? 1.5 लाख एक। और एक कैटल ये वाली हाई वैरायटी की हमारे पास है, मान लो ये हमने 1 लाख की खरीदी, 1 लाख की, ठीक है, एक कैटल, एक काउ, जिसकी ईल्ड कितनी थी? 50 लीटर पर डे, है ना, 50 लीटर। अब सुनो, अभी तक मेरा जो इन्वेस्टमेंट हुआ 2.5 लाख का, प्लस वो 2.5 लाख जो है वो मैंने उनके खाने वाने के लिए रख रखा है, एक लमसम आइडिया दे रहा हूं। अब होगा क्या, हमने इंजेक्शन आते हैं मार्केट में, FSH लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाले कुछ इंजेक्शन आते हैं, वो इस 1 लाख वाली कैटल के, है ना, अंदर इंजेक्शन दिए, जिसकी वजह से उसके एक बार में 6 से 8 एग निकले, आप इसको 10 लगा, 10 ओवम निकले, है ना, और इन 10 ओवम को हमने बाहर निकाला आर्टिफिशियली, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से, ओवम को जो फ्रोजन हाई वैरायटी सीमेन था वो हमने इसमें करवाया, है ना, फर्टिलाइज, और इसका जो जाइगोट है बच्चों, 10 एग थे, 10 जाइगोट बने, उसको 10 कैटल में डाल दिया, उसको 10 कैटल्स में डाल दिया। फायदा क्या होगा, आप सुनो मेरी, आई अंडरस्टैंड कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे हमें पता ही नहीं है, बट कैन यू इमेजिन, ये जो एक लमसम एक बात कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल चीजें भी होती हैं, बट इस 10 में से मान लो 6 भी काउ आपकी, ध्यान से सुनना, 6 काउ भी आपकी फीमेल निकल आती हैं, हालांकि हम मानते हैं 10 के 10 काउ के जो बच्चे हैं वो फीमेल निकल आते हैं, और हर एक को आप 1-1 लाख में फिर से बेच दो, तो आपके ये 5 लाख बिकम 10 लाख, एक नॉर्मल कैलकुलेशन। इसका कोई प्रैक्टिकल चीजों में बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बहुत झंझटें भी आती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम रहती है, बट मैं एक परफेक्ट प्लान बता, ये कैसे पॉसिबल हुआ? लोग आजकल ऐसा करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसी कैटल्स लेकर आते हैं जो मिल्क तो बहुत अच्छा नहीं प्रोड्यूस कर सकते, 2-4 लीटर, जो सिर्फ बच्चे के पीने के काम आएगा, जो वो उसका बच्चा है, बछड़ा है, उनको ऐसे सरोगेट बना देते हैं, और हाई वैरायटी का एग और ओवम का फर्टिलाइज करवाकर उसमें जाइगोट डाल देते हैं। मेरी बात समझ पा रहे? छोटी सी बात है ना, इसको मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से, तुम कैलकुलेशन बताने लगो मुझे तो बात करना, कहानी समझ गए? तो 6 से 8 एग हर साइकिल में उनको प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एग निकालकर उनको क्या किया, उसके अंदर FSH लाइक एक्टिविटी वाले हार्मोन्स डाल दिए, बढ़ गए, और उसको फिर से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हमने क्या किया, 8 से 32 सेल वाले स्टेज को सरोगेट मदर के अंदर डाल दिया। किसमें डाल दिया बच्चों? सरोगेट मदर के अंदर डाल दिया, और सरोगेट मदर के अंदर अगर डाला तो क्या होगा, बस काम हो गया। हाँ जी, काम हो गया यहां पर। अच्छा, ये चीजें किसमें किसमें, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल हाई वैरायटी बना सकते हैं, अदरवाइज एक हाई वैरायटी कैटल एक बच्चे को पैदा करती, पूरा टाइम इतना लगाती है ना,
साल 1.5 साल उसमें वेस्ट हो रहे होते, इससे अच्छा एक बार में हमने 10 पैदा करा लिए, 8 पैदा करा लिए उसी एक मदर से, और अभी भी उसमें अगले महीने जब फिर से एग होंगे तो फिर से 8, हर महीने 8 बच्चे पैदा करने लायक वो ओवम प्रोड्यूस कर रही। बाकी हमारा काम है कि हम उसको कितने सरोगेट मदर में डालें। तो इससे हम पूरी की पूरी फैक्ट्री क्रिएट कर सकते हैं गाय भैंसों की, फैक्ट्री का मतलब मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, और सब हाई वैरायटी, और उनको बेचो जितना बेचना है। इस तरह से चीजें होती हैं जब आप उसको नॉलेज रखते हैं, तो जहां नॉलेज है वहां पैसे। कभी ये मत सोचो कि भाई देखो रिस्पेक्ट पैसा, ये दोनों ही चीजें ऑटोमेटिकली एमबीबीएस करने के बाद आ जाए, बट ये भी चीज दुनिया में सच है कि जब पैसा आ जाता है तो रिस्पेक्ट भी आ जाती है। एमबीबीएस के साथ में है कि रिस्पेक्ट और पैसा दोनों साथ में जाते हैं। बाकी फील्ड में क्या, पहले पैसा आता है, अगर आना होता है फिर रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आने लगती है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं। कल को आप वेटनरी डॉक्टर बनो अगर एक चांस की बात होता है, तो ये सब भी काम पैरेलल में कर सकते हो। तो रिस्पेक्ट तो है ही, पैसा भी है, डॉक्टर के डॉक्टर बन गए, पैसा भी आ रहा है, मास में पैसे आ रहे, छोटे मोटे नहीं। तुम्हें एक बड़ी मजेदार चीज बताऊं, मैंने भी कहीं सुना था, शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा था, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, इन सबके जो बड़े बड़े लोग हैं, इनके घर पर एक स्पेशल काइंड का दूध जाता है, शायद मुझे लगता है 1,000 रुपए लीटर दूध है, कुछ ऐसा है, मैंने सुना था कहीं पर। और कितना सच है कितना झूठ है, बस झूठ तो नहीं होगा, कुछ अच्छा तो जाता ही होगा, नॉर्मल दूध तो नहीं आता होगा कि जी अमूल दूध ले लिया, पराग दूध ले लिया 1 लीटर, कुछ तो अच्छा होता ही होगा। अब उनके यहां पर जो गायें हैं उनको भूसा चारा वगैरह जो है एकदम रॉयल चीजें खिलाते हैं, इंक्लूडिंग बादाम, पिस्ता, ये सब चीजें जो होती है ना, काजू, ये उनकी चारे में मिक्स करके खिला रहे हैं। ऐसा भी सुना कि उनका पानी नॉर्मल नहीं होता, वो बिल्कुल फिल्टर्ड पानी होता है, बिस्लरी वगैरह के टाइप। तो अब ये कर देने से क्या कितना आउटपुट निकलता है, प्रैक्टिकली मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ मैंने सुना है। बट एक चीज तो है, उस अच्छे खाने से, एक भूसा खा रहा है, चारा खा रहा है, और एक बादाम खा रहा है, थोड़ा सा फर्क तो जरूर पड़ेगा, मुझे लगता है बादाम काजू वाले न्यूट्रिशन वाली चीजें खा रहा है, थोड़ा फर्क तो कर, गाय जो खाएगी वही तो दूध में निकालेगी, उसका फर्क जरूर पड़ता होगा, बाकी पता नहीं। तो ऐसी भी चीजें हैं, है ना, ऐसी भी चीजें हैं दुनिया में चल रही हैं, लोग करते हैं। तो हाई वैरायटी की चीजें हैं, पैसे कहीं नहीं गए लोग। अच्छा वहां पर आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कि भैया मुझे भी 1 लीटर दूध दे दो, आपका पास किसी पुराने कस्टमर, उसी के कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर का रेफरेंस होना चाहिए जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ा आदमी। तो ऐसी चीजें हैं वहां पर अजीब अजीब सी। बट फिलहाल ये एमओईटी किसमें किसमें हम कर सकते हैं, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये जो ढेर सारे ओवम निकालना, रैबिट, बफेलो, मेयर, इनमें कर सकते हैं हम, शॉर्ट टाइम में बहुत से प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिक सी चीजें थी, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हनी बी एपिकल्चर के बारे में प्रॉपर चीजें आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ कितना अच्छा सा एनिमेशन दे रखा है। अभी तक यहां पर कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को, बेसिक सी चीजें हैं जो आपको आई होप समझ में आ रही हैं, लॉजिकली समझ में आ रही हैं। प्लांट ब्रीडिंग हम लोग उसके बाद, ठीक है, तो कल ये स्टार्ट करके फिर प्लांट ब्रीडिंग करेंगे, है ना, उस पर भी समय लगाएंगे प्रॉपर, और फिर नेक्स्ट पर बात करेंगे, डन है, ठीक है, काफी अच्छा चैप्टर है। और सुनो, इस टेबल से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, पहले बता रहा हूँ, इन टेबल से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, तो इनमें गड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है, पढ़ते रहो, रिवाइज करो, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है ना, टिश्यू कल्चर क्या होते हैं, है ना, पेग क्या है ना, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, डन। चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, फिलहाल के लिए मेहनत करते रहो, हार्डवर्क करो, खूब मेहनत करो, कोई हेल्प चाहिए इस नंबर पर कॉल कर लेना। एंड यस, सब्सक्रिप्शन ले ही रहे हो, 20% ऑफ चल रहा है, तो ये कोड यूज कर लेना, यू विल गेट 20% ऑफ फर्स्ट थिंग, एक सपोर्ट सिस्टम मेरा मिल जाएगा अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते, ठीक है भाई। तो आज के लिए यही, हार्डवर्क करो, मेहनत करो, और कल मिलते हैं, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, हम लोग स्पेशल क्लासेस हम लोग करेंगे, जो हमारी यूट्यूब की क्लासेस, सॉरी, यूट्यूब की क्लासेस हम लोग करने वाले हैं, और उसमें हम फिल इन दी ब्लैंक्स बायोटेक के करेंगे जो बच गए। बाय बच्चों, वीडियो लाइक जरूर कर देना ना, वीडियो लाइक जरूर।
कोई डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन रहे तो ये पूछ लिया करो। और सुबह जो है 10 बजे की क्लास होगी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म।